जिसका था इंतजार वो मिलने वाला है अब प्यार, जिसका था इंतजार अब वो मिलने वाला है प्यार। एफआरआई पीएचडी एंट्रेंस, एफआरआई के साथ साथ में तमाम 14 रिसर्च इंस्टीट्यूट जहां से आप पीएचडी कर सकते हैं, जिसका सिंगल एग्जाम होने वाला है, जो एफआरआई कंडक्ट करवाने वाला है, उसकी हम यहां पे बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, एग्जाम कब होगा, फॉर्म का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में जहां से इस एग्जाम के थ्रू आप पीएचडी कर सकते हैं। इसी के अलावा आप लोग के तमाम डाउट्स, एग्जाम पैटर्न, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, सिलेबस क्या है, पीएचडी के बाद में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, जिसका फॉरेस्ट्री कैंडिडेट्स या रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज की तो बात ना की जाए तो बेहतर है, बिकॉज यहां पे अपॉर्चुनिटीज की भरमार है। यहां पे ऐसा हो रहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम अवेलेबल है, सीट्स खाली रहती हैं। तो चलिए सब कुछ इन डिटेल डिस्कस किया जाएगा इन द सेशन। वेलकम टू रावस कैरियर इंस्टीट्यूट देहरादून, इंडियाज टॉप इंस्टीट्यूट जो कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करवाता है ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर इन पीएचडी एंट्रेंस, जेआरएफ, नेट, सीयूटी एंट्रेंस के साथ साथ में अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। चलिए इन डिटेल हम बात करेंगे हर पॉइंट्स को, यहां पे आपके डाउट्स को, जिन कैंडिडेट्स ने अपने डाउट्स रखे, जहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि जिनको पता नहीं होता स्टूडेंट्स, वो कंफ्यूजन के अंदर ही फॉर्म निकाल देता है, वो फॉर्म ही नहीं भर पाता है। अच्छा, आप अगर इसकी प्रिपरेशन करेंगे एक एग्जाम की तो क्या क्या और बेनिफिट्स हैं, ये सब कुछ यहां पे डिस्कस करेंगे। चलिए तो बात करते हैं। फर्स्ट वन हम बात करें कि ये एक नोटिफिकेशन जो कि एफआरआई के द्वारा रिलीज किया गया है, ये क्या कहता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि वो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, वो ऑल द कैंडिडेट्स जिनका एमएससी हो चुका है और एफआरआई अपना एक एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है। कब? 18 अगस्त को। कब करवा रहा है? 18 अगस्त को एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। बट प्रॉब्लम है, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, जो कि बहुत बड़ा है कंफ्यूजन है। यहां पे ये मेंशन किया गया, और एफआरआई अभी नहीं, पिछले 5 साल से सेम स्ट्रेटजी यूज करता है। जिन कैंडिडेट्स ने यूजीसी नेट क्वालिफाई है, जो कि साइंस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाई है, या फिर जो कैंडिडेट सीएसआईआर नेट क्वालिफाई है या गेट क्वालिफाई है, वो कैंडिडेट्स डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे, और जो कैंडिडेट नेट क्वालिफाई नहीं है वो कैंडिडेट डायरेक्ट एग्जाम में बैठेंगे और उनका स्कोर बेसिस पे इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा। सो एग्जाम, देन आफ्टर इंटरव्यू, देन डायरेक्ट आपका फिर सिलेक्शन होगा। तो उस बेसिस पे यहां पे एग्जाम हमेशा कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आप एमएससी लास्ट ईयर स्टूडेंट है और आपने नेट क्रैक नहीं किया है तो आप ही के लिए ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। आप एग्जाम दीजिए एंड एग्जाम के बाद आप इंटरव्यू दीजिए और सेलेक्ट होके पीएचडी एफआरआई, जहां हर किसी का सपना है। एफआरआई जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है वो 14 अदर इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग एफआरआई जो इंडिया में अलग अलग लोकेशंस पे लोकेटेड हैं, जो कि फॉरेस्ट्री रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, उनसे आप पीएचडी कर सकते हैं। एग्जाम सिंगल होगा जो कि एफआरआई बेस्ड एग्जाम होगा। तो चलिए हम हर चीज डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो ऑलरेडी मेंशन किया गया है, मैं क्लियर कर दूं, एफआरआई यूजी एंट्रेंस एग्जाम या यूजी डिग्री प्रोवाइड नहीं करवाता, ग्रेजुएट डिग्री प्रोवाइड नहीं करवाता है। ये वो इंस्टीट्यूट है जो आईएफएस, आईएएस एंड या पीसीएस कैंडिडेट्स को, जहां पे फॉरेस्ट रेंजर या मैं ये कहूं कि कंजर्वेटिव ऑफिसर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, जो गवर्नमेंट के रिसर्च प्रोजेक्ट को हैंडल करता है, ये सिर्फ रिसर्च बेस्ड डिग्री प्रोवाइड करवाता है, जहां पे मास्टर्स डिग्री और पीएचडी डिग्री प्रोवाइड करवाता है। तो चलिए बात करते हैं नोटिफिकेशन में क्या मेंशन किया हुआ है। ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर क्वालिफाइड, जो क्वालिफाइड हैं यूजीसी नेट के साथ साथ में गेट एग्जाम जो क्वालिफाइड है, या अदर कोई सिमिलर एग्जाम्स जो नेट या नेशनल लेवल पे कोई एग्जाम है वो क्वालिफाई है, वो तो इसके लिए एलिजिबल है ही है। लेकिन जिन्होंने, जो कैंडिडेट्स इस बार एमएससी कर रहे हैं या एमएससी कर चुके हैं, वो कैंडिडेट्स इस एग्जाम में बैठना पड़ेगा। उनके लिए क्या प्रोसेस है? द कैंडिडेट इंटरेस्टेड टू अपियर इन पीएचडी एंट्रेंस कंडक्टेड बाई एफआरआई, तो एफआरआई उन्हीं कैंडिडेट्स को जिनका नेट क्वालिफाइड है उन्हीं कैंडिडेट्स को लिए एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। क्लियर हो गया? तो ये सबसे बड़ा स्टूडेंट्स को डाउट था कि सर हम अभी उन कैंडिडेट्स को ले रहा है जो नेट क्वालिफाई है, नहीं, उनका इंटरव्यू होगा, लेकिन जो नेट क्वालिफाई नहीं है उनके लिए ये एग्जाम रखा गया है। एग्जाम किस प्रोसेस, कब होगा? एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा 18 अगस्त को। फॉर्म कैसे फिल किया जाए? 1500 का, 1500 रुपए का फीस चार्ज है, जो कि डीडी बनेगा। डीडी किस नाम से बनेगा?
ड्राफ्ट बैंक ड्राफ्ट बनेगा इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार FRI deemed to be university देहरादून, ये सिर्फ उसके ऊपर आपको मेंशन करना है। आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के देहरादून एड्रेस पे आपको फॉर्म भेजना है विद DD। चलिए आप कहां पे जा सकते हैं, इसके अलावा आप अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जाइएगा FRIDU.edu.in, वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिएगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 29th of May से, लास्ट डेट कब है 28th June लास्ट डेट है। एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा 18th of August को। ऑलमोस्ट अगर हम ये कहें तो ऑलमोस्ट आप लोगों के पास में 2.5 महीने हैं, एंड अगर कॉमन बात की जाए तो अभी ऑलमोस्ट आपके पास 72-75 डेज अवेलेबल है। चलिएगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 213 नंबर ऑफ सीट्स ऑल ओवर इंडिया, जहां पे एक FRI इसके साथ साथ में ही 13 और रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो आप रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां से आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किस रिसर्च इंस्टीट्यूट से करना चाहेंगे, लेकिन एक कॉमन एग्जाम उसके लिए कंडक्ट करवाया जाएगा। टोटल कितने, 14 रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां पे मैं कहूं कि हिमाचल में भी है, यूपी में भी है, राजस्थान में भी है, बेंगलोर है, या तमाम और देहरादून में भी और इंस्टीट्यूट है, तमाम इंस्टीट्यूट जिसकी लिस्ट आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। आप फॉर्म चेक कीजिए और जहां से आप फिल करना चाहते हैं वो बाद में आप सेलेक्ट कीजिएगा। चलिएगा, तमाम जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपको लिस्ट मिलेगी, लेकिन एक ओवरव्यू मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं। तो चलिए, सबसे कॉमन बात तो ये होगी कि कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर है, जहाँ पे तमाम नंबर ऑफ सीट्स है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जहां जिनको PhD करना है, जिनको डॉक्टरेट डिग्री चाहिए, वो कैंडिडेट्स उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर। सेंसिंग देहरादून, जो कि हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड ऑल द सब्जेक्ट्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल से, जो लोग भोपाल से हैं वो चाहते कि मैं PhD तो करना चाहता हूं लेकिन यहीं से PhD हो जाए मेरी, तो उन लोगों के लिए भी। या कोयम्बटूर रिसर्च इंस्टीट्यूट की हम बात करें, या तमाम और भी जो आपको लिस्ट में प्रोवाइड किया। हम बात करते हैं क्या एलिजिबिलिटी है कैंडिडेट्स का, तो एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो 2 या मिनिमम परसेंटेज जो कि रिक्वायर्ड। फॉरेस्ट सीड टेक्नोलॉजी से मास्टर डिग्री इन फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर एंड बॉटनी जैसे इन जेनेटिक्स से होना चाहिए। इसी अलावा तमाम बॉटनी में पैथोलॉजी में बीच लेक्चर को प्रोवाइड करवा। नेक्स्ट बात करते हैं क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, तो अगेन मैं ये कहूं कि जो MSc कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम पैटर्न है उससे इक्वल है, बट वो 50% आप किस बेस्ड पे जाएंगे, फॉरेस्ट्री बेस्ड पे आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। यहां सेक्शन फर्स्ट की बात करते हैं, जो कि 100 मार्क्स का होगा। सेक्शन फर्स्ट जो कि कितने मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन से 100 मार्क्स, 200 क्वेश्चन का पेपर होगा और 200 मार्क्स का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। चलिएगा, क्या आने वाला है सेक्शन 1 में, बेसिक साइंस जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी होने वाला है, 30 क्वेश्चंस इन चारों सब्जेक्ट से होंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बात करते हैं जो कि क्लास 12th लेवल तक का आपसे सिलेबस कंडक्ट करवाया जाएगा या सिलेबस उसमें रहेगा, कॉमन टॉपिक आपके वहां पे रहने वाले हैं। चलिएगा, बात करते हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में क्या क्या होने वाला है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रिसर्च, मैथ्स क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड रिसर्च, जो कि 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि ऑलमोस्ट 10th स्टैंडर्ड का होगा। जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 12th स्टैंडर्ड का ये होने वाला है, एंड जनरल अवेयरनेस जो कि 25 क्वेश्चंस होंगे, ये भी ऑलमोस्ट हम कहें तो 12th स्टैंडर्ड का होने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट मैं ये कहूं कि CSIR नेट के सिमिलर ये असले पैटर्न है फर्स्ट का। अब बात कर लेते हैं सेक्शन सेकंड में, जो 100 मार्क्स का होने वाला है उसकी हम बात करते हैं। चाहे कैंडिडेट किसी भी स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना चाहता हो, उसको 40 क्वेश्चंस फॉरेस्ट्री, जनरल फॉरेस्ट्री के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और जहां पे जो स्टूडेंट ऑलरेडी फॉरेस्ट्री का ही है, जिसने MSc फॉरेस्ट्री या एग्रो फॉरेस्ट्री से किया है, वो कैंडिडेट उसके लिए ऑलमोस्ट उसको भी ये करना होगा। और आप अदर डिसिप्लिन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट और डिसिप्लिन जिस सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 40 क्वेश्चंस ये आपके लिए मैंडेटरी है, हर कैंडिडेट्स के लिए 40 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम एग्रोफॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट्री पार्ट से होने वाले हैं। अब खेल किसका है, कॉमन कॉमन ये जो आपका स्ट्रीम होगा यहाँ आप सेलेक्ट कीजिए 60 क्वेश्चंस को, तो उसका देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स के लिए मैं क्लियर कर दूं, जो कैंडिडेट्स फॉरेस्ट्री से हैं तो 40 क्वेश्चन ये और 60 क्वेश्चन ये कंप्लीटली फॉरेस्ट्री से होंगे। जो कैंडिडेट अगर मैं कहूं कि बॉटनी से हैं या अदर स्ट्रीम से हैं, तो आपको 40 क्वेश्चंस फॉरेस्ट्री से होंगे और 60 क्वेश्चंस आपके बॉटनी से होने वाले हैं या
मैं कहूं कि अदर सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स 60 क्वेश्चंस आपके प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट्स है, मास्टर में जो सब्जेक्ट आपका, उससे होने वाला है। चलिएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे? 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। एग्जाम ड्यूरेशन क्या है? 2 hours, 2.5 hours इसके लिए एग्जाम ड्यूरेशन आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ओमआर बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑफलाइन एग्जाम होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। चलिए, तो कॉमन बात हमारे लिए यह है कि जो 60 क्वेश्चंस आपके आने हैं, डिसिप्लिन 60 क्वेश्चंस जो आने हैं, वहां पे या कहां से क्वेश्चंस वो होंगे और आप किस स्ट्रीम के लिए जाना चाहते हो, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पे आपका अप्लाई डिसिप्लिन, कौन सी डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई, स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, और वहां आपको 60 क्वेश्चंस की जहां बात कर रहे हैं, वो कौन सा सिलेबस या कौन सा सब्जेक्ट आपको मैंडेटरी है एग्जाम देना, क्योंकि बाकी तो हमारा 140 तो क्लियर हो ही गया था, 140 मार्क्स का क्लियर हो गया, 100 मार्क्स हमारा साइंस मैथमेटिक्स एंड जीके जीएस वाला पार्ट है, 40 क्वेश्चंस जनरल फॉरेस्ट्री सभी कैंडिडेट्स के लिए होगा। बात कर लेते हैं 60 क्वेश्चंस, अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं सिल्वीकल्चर से, फॉरेस्ट्री टेक्नोलॉजी से, फॉरेस्ट मैनेजमेंट से, नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट से, फॉरेस्ट एक्सटेंशन से, तो आपको मैंडेटरी होगा फॉरेस्ट्री देना, 60 क्वेश्चंस भी फॉरेस्ट्री के ही होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेस्ट जेनेटिक्स, फॉरेस्ट बॉटनी, फॉरेस्ट फिजियोलॉजी, फॉरेस्ट पैथोलॉजी, फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट इकोलॉजी, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ साइंस, सोयल साइंस, जो कि एग्रीकल्चर कैंडिडेट्स को ज्यादा ही प्रीफर करते हैं क्योंकि सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यही है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भी यही है, तो इसी के स्टूडेंट्स ज्यादा इसको प्रीफर करते हैं। कंजर्वेशन, कंजर्वेशनल सोशल साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस, अगर इन स्ट्रीम से आप जाते हैं तो आपको इनमें से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। लाइफ साइंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो स्टूडेंट लाइफ साइंस के हैं वो लाइफ साइंस सेलेक्ट करेंगे, जो स्टूडेंट एनवायरमेंट साइंस है वो एनवायरमेंट, और जो स्टूडेंट फॉरेस्ट्री से हैं तो वो फॉरेस्ट्री सेलेक्ट करेंगे। इजी होगा कि आप फॉरेस्ट्री सेलेक्ट करें, ज्यादा सिलेबस अगर यहां पे है तो आप फॉरेस्ट्री सेलेक्ट करेंगे। तो फॉरेस्ट्री हर सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, क्रैश कर रहा है, हर सब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है। वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप पीएचडी करना चाहते हैं, फॉरेस्ट जो इंफॉर्मेटिक एंड फॉरेस्ट हाइड्रोलॉजी, क्लाइमेट चेंजेस एंड फॉरेस्ट इन्फ्लुएंसेस से अगर आप पीएचडी चाहते हैं, इस स्ट्रीम से अगर आप पीएचडी चाहते हैं, तो आपके लिए फॉरेस्ट्री और फिजिक्स और वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस सेलेक्ट करना होगा क्वेश्चंस के लिए। अगर आपका स्ट्रीम केमिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी है, तो आपको केमिस्ट्री के साथ साथ में पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं फॉरेस्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो आपको लाइफ साइंस और मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना होगा। तो ये 60 क्वेश्चंस का खेल है आप सभी के लिए, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सेक्शन सेकंड की, जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, जिन कैंडिडेट्स को सेक्शन सेकंड में मिनिमम मार्क्स, सेक्शन कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट्स सिक्योरिंग मिनिमम 30 मार्क्स एंड अबव मार्क्स इन सेक्शन सेकंड, तभी आपका सेक्शन फर्स्ट चेक किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो सेक्शन सेकंड जो कि 100 मार्क्स का है, सेक्शन बी जो कि 100 मार्क्स का है, उसमें एटलीस्ट आपको 30 मार्क्स या प्लस तो लाना ही होगा, ये मैंडेटरी है। और अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की इंटरव्यू के लिए किसको बुलाया जाएगा, जनरल कैंडिडेट्स जो कि 50% मार्क्स, 200 में से जिनका 100 मार्क्स है उनको, या 100 प्लस है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी या सी एस टी कैंडिडेट्स के लिए 45 मार्क्स जो कि उनको इंटरव्यू के लिए, परसेंटेज मार्क्स हैं, मार्क्स नहीं 45% मार्क्स जिनके हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऑलमोस्ट 200 में से मैं बात करूं कि 90 प्लस जिनके मार्क्स होंगे। यहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एंड बात करें 1 question 1 marks, देर इज नो नेगेटिव। तो अब प्रिपरेशन कैसे की जाए, हमारे पास ऑलमोस्ट 70-75 days हैं, क्या इसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो सिलेबस आपने एक कॉमन देखा, लेंथी है नो डाउट, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन क्या है वो बताइए। देखिएगा, ऑलरेडी पीएचडी के कोर्सेस स्टार्ट हो चुके हैं इसी मंडे से, पीएचडी एंट्रेंस के लिए, और साथ ही साथ में पीजी एंट्रेंस के लिए भी कोर्सेस न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग के लिए पीएचडी के लिए एक दो कोर्सेस हैं, एक तो वो कैंडिडेट जो फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री से हैं, उनका ऑलरेडी नेट और जेआरएफ कोर्सेस लाइव ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस चल रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं सेकंड यहीं पे बात करूं आपसे, जो कि जो कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए कोर्सेस जो कि है 10,000 में
और जो कैंडिडेट्स ये भी चाहते हैं कि मैं ASRB नेट एग्रोफॉरेस्ट्री भी देना चाहता हूं, SRF भी देना चाहता हूं और इस नेट एग्जाम के लिए भी मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूं, तो उसके लिए कॉम्बो बैच है जो कि 12,000 का बैच है अभी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 25 कैंडिडेट्स के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 50% या 60% सीट्स फुल हो चुकी हैं। उसके बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी जो कि 20,000 है, ऑलमोस्ट इसी के लिए है। आपको कंप्लीट ऑलरेडी रिकॉर्डेड डाल दिया गया है और साथ ही साथ डेली 5 आवर्स लाइव क्लासेस रहेंगी, एवरीडे 5 आवर्स मॉर्निंग में भी, टाइम भी बता देता हूं, मॉर्निंग 8 o'clock 8 to 11 आपकी मैथ रीजनिंग इंग्लिश की क्लासेस होंगी और इवनिंग में 2 आवर्स के लिए फॉरेस्ट्री की क्लासेस या साइंस की क्लासेस होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो कैंडिडेट सिर्फ फॉरेस्ट्री ASRB नेट के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं या प्रिपरेशन करना चाहते हैं ZRF और नेट, तो ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं ASRB नेट के लिए और ऑलमोस्ट जो 100 मार्क्स का वही सिमिलर सब्जेक्ट सिलेबस है, तो हमने कॉम्बो कर दिया क्योंकि स्टूडेंट क्यों अलग अलग उसके लिए चार्जेस देगा, वो चाहे FRI के लिए जाए, चाहे वो ZRF के लिए जाए, चाहे वो नेट के लिए जाए, चाहे वो SRF के लिए जाए, किसी भी एग्जाम के लिए आप जा सकते हैं। यहाँ पे कोर्स प्राइस दैट इज 10,000। अब बात करते हैं कैसे आप इनरोल कर सकते हैं और इसमें क्या क्या मटेरियल ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल है और किस किस की लाइव क्लासेस होंगी। तो आप राउस केयर इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आप वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहां पे आपको एप्लीकेशन के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर आपको कोर्स दिखाई देगा PhD एंट्रेंस, उस पर क्लिक कीजिए। ऑलरेडी आपको क्लिक करने के बाद ऑल द कोर्सेस होंगे, चाहे वो PhD एंट्रेंस हो, चाहे एग्रोफॉरेस्ट्री नेट हो, चाहे वो एग्रोफॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट्री ZRF हो, एग्रोनॉमी ZRF हो या एग्रोनॉमी नेट हो या अदर सब्जेक्ट्स हो, वो कंप्लीट आपको वहां पे मिलेंगे। जो बैच आपका स्टार्ट हुआ है इस तरह से आपका बैच ओपन होगा, उसमें आपको ऑलरेडी PDF नोट्स अवेलेबल है, जनरल अवेयरनेस के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, रीजनिंग लेक्चर्स अवेलेबल हैं, यही मैं बात करता हूं, इंग्लिश लेक्चर्स अवेलेबल हैं, मैथमेटिक्स लेक्चर्स अवेलेबल हैं, फॉरेस्ट्री और एग्रोफॉरेस्ट्री जो कि नेट एग्जाम्स वाला ऑलरेडी चल रहा है वो अवेलेबल है और अभी कंटिन्यू आपका और चल रहा है। तो इस तरह से तमाम आपके ऑल द सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो या ऑल द सब्जेक्ट्स लाइव भी हैं और रिकॉर्डेड भी हैं। ये ऑलरेडी जो पहले से क्लासेस बैचेस जो है पहले बैचेस के आपके रिकॉर्डेड डाल दिए गए हैं, इसके बाद में कंटिन्यूअसली आपके टेस्ट हो गए या फिर आपका कंटेंट हो गया प्रॉपर आपको लाइव मिलता रहेगा। चलिएगा बात करते हैं इसके अलावा जो कैंडिडेट्स MSc एंट्रेंस के थ्रू यहां से MSc करना चाहते हैं उनके लिए भी ऑलमोस्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 50 सीट्स हैं इस बैचेस में और 100% सक्सेस इस बैचेस का हमारा टारगेट है। मैं कह रहा हूं 100% MSc वाइल्ड लाइफ, क्योंकि जो स्टूडेंट एंड टाइम पे आता है, एंड ऑफ द टाइम मतलब 2 महीने जब MSc एंट्रेंस का होता है तब स्टूडेंट आता है, उसके बाद में सिलेबस नहीं होता भैया, तो सिलेक्शन वही लेता है जो इनिशियल स्टेज पे आता है, क्योंकि आप MSc नहीं कर चुके, आप PhD के लिए नहीं है कि आपका ऑलरेडी माइंड इतना स्ट्रांग है कि उस चीज के लिए आप प्रिपेयर हो, फॉरेस्ट्री है क्योंकि कॉलेज की कंडीशंस ऑलमोस्ट हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप MSc के लिए ऑलमोस्ट आपको 5 to 6 months चाहिए, लेकिन फिर भी स्टूडेंट 2 to ऐसी बात नहीं है 2 months में भी क्रैक कर जाता है, इट्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ स्टूडेंट एंड इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। हाँ, PhD के लिए ऑलमोस्ट आपको 2 and 3 months का रिक्वायरमेंट होता है। चलिए, तो वो उनके कोर्सेस भी FRI एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उनके कोर्सेस भी लाइव स्टार्ट हो चुके हैं, दोनों टाइमिंग आप एप्लीकेशन पे जाइए और वहां पे चेक कर सकते हैं, जो कि बेहतरीन ऑलमोस्ट आपके लिए यूनिवर्सिटी है। आप ऑफलाइन कंटेंट भी मंगवा सकते हैं चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स का हो, और ऑनलाइन कैंडिडेट्स के लिए PDF डाउनलोड एंड प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको अवेलेबल होगी एंड आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज एंड ऑल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए। देखिए, फर्स्ट टाइम अगर कहूँ PhD करने के बाद में, जैसे ही हम कल FRI बैठे थे और यही डिस्कशन चल रहा था कि PhD के बाद में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है बच्चों के लिए, कौन कहाँ कहाँ सेलेक्ट हुआ, तो मैं बात कर रहा हूँ टॉप MNCs की, टॉप वर्ल्ड लेवल की, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप भी जानते हैं इस टाइम कितनी गर्मी है और ग्लोबल वार्मिंग कितनी प्रॉब्लम्स, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो NGOs एंड ऑल द कंपनीज एंड जो फॉरेन MNCs की मैं बात करता हूँ, भर भर के वैकेंसीज है, भर भर के अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है। डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट तो वही हो गया कि PhD के बाद में प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट्स IIT लेवल की बात की जाए, क्योंकि जो फॉरेस्ट्री से है तो IIT खड़गपुर या IIT कानपुर या मैं बॉम्बे या दिल्ली तो करवाता नहीं है फॉरेस्ट्री, तो वो लोग क्या करते हैं उनके पास टेक्नोलॉजी है, प्लांट साइंस के कैंडिडेट्स को वो हायर कर लेते हैं, या फॉरेन कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो वैकेंसीज की यहाँ पे, क्योंकि इस क्राइटेरिया पे बहुत कम लोग जाते हैं, अभी भी बहुत सी सीट्स वैकेंट रहती हैं। तो आप सभी लोग, आई होप ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, प्लीज अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिए कैंडिडेट्स के साथ में, और जिन कैंडिडेट्स को अगर कोई डाउट है दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राउस केयर इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए,
वहां आपको ऑल द इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अभी 2 डेज के लिए जो कैंडिडेट्स इनरोल करेंगे उनके लिए एक्स्ट्रा 10% और डिस्काउंट है ऑन द ऑल द कोर्सेज। फिर मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में और लाइव क्लासेस के अंदर। सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जय हिंद, जय भारत।